गढ़वा से हमारे संवाददाता पिंटू कुमार की रिपोर्ट। वाहन चालक एवं सफाई कर्मियों ने संयुक्त रूप से बकाया राशि का भुगतान कराने को लेकर आवाज उठाई। माह अप्रैल 2021 से लेकर अभी तक वाहन चालक एवं सफाई कर्मियों को मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। बताया जाता है कि गढ़वा जिला के अंतर्गत विभिन्न अंचल के वाहन चालक निर्बाध रूप से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वाहन चालकों का बकाया राशि नहीं दिया गया है। वाहन चालकों की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो चुकी है, ऐसे में उनके परिवार और बच्चों की हालत काफी दयनीय है। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, पैसे के अभाव में जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है। इस मामले को लेकर वाहन चालकों ने जिले के सभी अधिकारियों को आवेदन दिया है, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या बात है सर? सर हम लोग वेतन के लिए बैठे हुए हैं सर, हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है सर। माह अप्रैल 2021 से वेतन नहीं दिया जा रहा है सर। भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, बच्चे लोगों को स्कूल से निकाल दिया गया है, माँ बाप सब बीमार हैं, कोई इलाज का पैसा नहीं है सर। बार बार लिखित रूप से श्रीमान अपर समाहर्ता को लिखा गया है, उपायुक्त महोदय को दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हमारे हम लोगों के वेतन के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं। तो कितने माह से नहीं दिया गया है? 16 माह लगभग दिया है सर, 16 माह से लेकर। जो कोरोना काल भी चल रहा था, उस स्थिति में भी नहीं मिलने के कारण जैसे आप लोग सर, हम लोगों को कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, लेकिन उसके साथ है सर कि हम लोग 8 मार्च 2022 को लिखित रूप से उपायुक्त महोदय को दिए हुए थे, और उस देने के बाद 4 ड्राइवर को वेतन दिया गया, बाकी हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया, जिसमें अपर समाहर्ता महोदय के ड्राइवर को दिया गया वेतन, उनका वेतन बकाया नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी रंका के ड्राइवर साहब को वेतन दिया गया, उनका भी बकाया नहीं है। कल्याण पदाधिकारी के ड्राइवर राम प्रवेश को वेतन दिया गया, अकबर को वेतन दिया गया, उन लोगों को वेतन देने के लिए जिला में पैसा है, लेकिन हम लोग सारे ड्राइवर के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। प्रखंड अंचल के ड्राइवर को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, और भी अन्य कर्मी हैं, नाइट गार्ड हैं, सफाई कर्मी हैं, आपको जो है सो झाड़ू कस हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इन लोगों को देने के लिए वेतन का पैसा नहीं है सर। इसलिए आज बाध्य होकर हम लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं सर। अब या तो वेतन लेके जाएंगे या तो मर के श्मशान जाएंगे, दो ही रास्ता है, चूँकि घर में भी खाना के बिना मरेंगे, यहाँ भी खाना के बिना मरेंगे, दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अंतिम परिस्थिति में बात कर सकते हैं। मैम आपका क्या पड़ा सर? मेरा नाम गौतम कुमार विश्वकर्मा है जी, और प्रखंड कार्यालय बढ़िया में रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य हम थे, अभी कार्य हम हो गए हैं। हमारे साथ में और भी सफाई कर्मी हैं, संतोष सूर्यवंशी हैं, गुलाब राम चालक हैं, एक ऑपरेटर हैं, हम लोग के कार्य मुक्त कर दिया गया ना। तो मानदेय जो है कि 9 मंथ से हम लोग को मिला भी नहीं ना। हम लोग के सीपी जो है कि मरने के कगार पर है, बाल बच्चा के पढ़ाई से दवाई तक खर्चा जो है सबके नहीं निकल पा रहा है ठीक तरह से ना। इस वजह से जो है कि हम लोग आवरण अनशन दिए हैं, हम लोग का मानदेय मिलेगा तो हम लोग जो है सो कि जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं पर दम घुट हो सकते हैं। इसी जो है कारण से हम लोग यहाँ पर हैं, मानदेय हम लोग मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर रहेंगे, नहीं मिलता है तो हम लोग यहीं पर रहेंगे। आपका नाम क्या पड़ा? मेरा नाम मुझे देवी नाम है। क्या बात है? मेरा बात है रंकंदा जुकस के बोलिए। मेरा बात है कि मेरे घर का 7 महीना हो गया, आज तक ले वेतन नहीं मिल रहा है, नरेगा का घर मिल रहा था, नरेगा तो बंद हो गया, तब तक ले वेतन नहीं मिले, तो मिलेगा मिलेगा, आज तक ले मिल ही नहीं रहा है। इसी के आभार से हम लोग लान के मंडल में धरना दिए हैं, कब तक पैसा मिलेगा कि कोई ठिकाना नहीं है। वो लोग भी मेरा जमीन में है, खाना भी मेरा जमीन में है, हॉस्पिटल भी बन गया है मेरा जमीन, तो पर भी काम कर रहे तो पर भी मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। आप लोग सब जितना मतलब अनुमंडल है और हॉस्पिटल आप लोग करते हैं सफाई जी?
ब्लॉक भर ना करते हैं जी, सिर्फ ब्लॉक का हॉस्पिटल में नहीं करते हैं ना, थाना में नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ही जमीन में बना है। अच्छा, बोला जा रहा था सरकार पहले से नहीं पैसा भी मिलेगा, सरकारी नौकरी भी मिलेगा, वो भी नहीं मिला ना, पैसा भी नहीं मिला। हम लोग ऐसे अनुदान में खट रहे हैं, कभी मिलता है कभी मिलवो नहीं करता है।